वाले में सीना ठोक कर 12 बजे टेबल पर रखकर हम पढ़ सकते हैं। लो जी फजाइल आमाल पढ़ो सुनो, लो जी दुर्रे वक्तार पढ़ो सुनो, लो जी बहती जेवर पढ़ो सुनो। सच्ची किताब है, सच्चे वाकियात हैं, अल्लाह तबारक ताला के यहाँ मकबूल हो गई। अब इनके पेट में जलन होने लगा। देखो भाई इस सिलसिले में एक चीज याद रखो, वो चीज क्या है? एक इंसान जो काम करता है उसको आदत कहते हैं। क्या आदत है? पैरों से चलना इंसान की आदत है, पैर जमीन पर रखकर चलना इंसान की आदत है। अब अगर 1 लाख आदमी 50 लाख आदमी अपने पैर जमीन पर रखकर चले, कोई देखता भी नहीं, लेकिन एक आदमी हवा में उड़ लेकर जा रहा है, ये खरके आदत है, यानी आदत के खिलाफ ये चीज है, समझ गए? तो जो चीज खरके आदत होती है वो चीज नबी से साबिर हो तो उसको मोजिजा कहते हैं। यानी उंगलियों से पानी निकलता है क्या? नहीं निकलता। अल्लाह के हबीब पाक सल्लम एक कुएं के पास उंगलियों से आपने पानी के झरने को निकाला, आप लाख बंडा भेजे चांद की तरफ, टुकड़े होता क्या? नहीं होता। अल्लाह के हबीब पाक सल्लम ने अपनी उंगली से इशारा फरमाए, चांद के 2 टुकड़े हो गए। तो जो चीज आदत के खिलाफ नबियों से साबिर हो उसको मौजिजा कहते हैं, जो चीज आदत के खिलाफ वलियों से साबिर हो उसको करामत कहते हैं, जो चीज आदत के खिलाफ मुशरिकों काफिरों फासिकों से निकले उसको शोबदाबाजी कहते हैं। जादूगर भी करते हैं, जादूगर एक का दो मुर्गी के अंडे से कबूतर निकाल दे और मुर्गी के पेट से कबूतर, कबूतर के पेट जो चाहे वो भी करते हैं, नबी भी करते हैं, ख्वाजा अजमीरी भी करते हैं और हजरत ईसा हजरत सालेह भी करते हैं, लेकिन पैगंबर करे तो मौजिजा और वली करे तो करामत और शोबदाबाज करे और जो है आम फासिक करे तो उसको शोबदाबाजी, मक्कारी, अय्यारी, जादूगरी जो भी नाम आप दे सकते हैं। एक बात याद रखो, शोबदाबाजी मक्कारी को छोड़कर इंसान अपने इख्तियार का इस्तेमाल करता है, वली की करामत और नबी का मौजिजा खुद इनका नहीं होता, अल्लाह तबारक ताला करवाते हैं। एक बात, कमबख्त तौहीद का परचम लेकर तौहीद की आड़ में अपने आप को कभी मुहम्मदी कहेंगे, कभी मुवाहिद कहेंगे और कहेंगे देवबंदी और रजाखानी एक सिक्के के दो रुख हैं। अल्लाह की कसम इनसे बड़ा मुशरिक दुनिया में कौन भी नहीं। क्यों? इसलिए कि हम ये समझते हैं कि मौजिज़ा कौन देता है? अल्लाह ना देता है। कैसे? हजरत याकूब अलैहि सलाम नमाज पढ़ते थे, दुआ करते थे, दुआ के बाद अपने आंखों पर हाथ मलते थे? नहीं मलते थे, मलते थे। 1000 मरतबा मले होंगे, 5000 मरतबा, 10 लाख मरतबा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में आप नाबीना हो गए थे रोते रोते, 70,000 मरतबा, 50 लाख मरतबा हाथ फेरा, बीनाई नहीं आई। करामत उनके हाथ में होती, अपना हाथ फेर कर अपनी बीनाई को वापस लाते। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता इनके आंखों में पड़ता है तो बीनाई वापस आ जाती है। तो बीनाई को लाना और जो है मोजिजे को जाहिर करना खुदा का काम था। खुदा ने जब हाथ लगाकर अंधा रखना चाहा तो बरसों तक अंधा रखा और खुदा ने अपने बेटे पैगंबर में और कम मर्तबे के पैगंबर हजरत यूसुफ का कुर्ता लगा, अल्लाह तबारक ताला ने बीनाई को दे दिया। हजरत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत को जाते हैं, कितनी तकलीफ होती है। सुराखा ने कितना इनाम रखा, कहा जो जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाएगा उसको 100 सुर्ख ऊंट इनाम दिए जाएंगे। यहाँ मक्के से मदीने में आज 1 घंटे में 1.5 घंटे में हवाई जहाज चली जाती है, तेज रफ्तार सवारियां 3.5-4 आवर के अंदर चले जाते हैं। उस जमाने में अल्लाह के हबीब पाक सल्लम कितनी दिक्कतों से कितनी मशक्कतों से जाते हैं। और चले जाइए सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में, आप फरमाते हैं कौन है जो बिल्कीस के तख्त को लेकर आएगा? तो एक कहता है मजलिस के बदलने तक लाऊंगा, दूसरा कहता है नहीं सुलेमान, आप अपने आंख को बंद करें, खोले, पलक झपकने से कम देर में बिल्कीस के तख्त को लाकर तुम्हारे सामने रख दूंगा। मुझे बताएं मोहम्मद सल्लम का मकाम ऊंचा है या ये कि वो जिन जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वजीर था उसका मकाम ऊंचा है? अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। नबियों के सरदार, रसूलों के सरदार, कायनात के सरदार, शाफिए महशर, साखिए कौसर, हबीबे किबरिया, इमामुल अंबिया, क्या लगत है कि उस वजीर की और आकाए दो आलम सल्लम की। लेकिन अल्लाह ने इस वजीर से ये करामत दिखानी चाहिए तो पल झपकने से कम मिकदार में बिल्कीस का तख्त आ गया। अल्लाह उस वक्त ना देना चाहा, अल्लाह के हबीब पाक सल्लम हिजरत का सफर आसानी से ना कर पाए। चलो और आगे बढ़ो, हजरत आयशा मेरी और आपकी अम्मा, कायनात के मुसलमानों की अम्मा, हरम सराई की मोहतरमा जौजा, अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में पसंदीदा बीवी आपकी,
और अल्लाह तबारक ताला ने दुनिया के अंदर किसी पर इल्जाम लगता है तो दुनिया का लायर उसका दिफा करता है, आयशा पर इल्जाम लगा तो खुदा लायर बनकर आयत को नाजिल फरमाया। ये है अम्मा आयशा सिद्दीका, चलो वो अलग उनवान है, ये आपकी शान मुबारक है। कोई बच्चा पैदा हुआ हजरत आयशा सिद्दीका के, कोई बच्चा पैदा हुआ? खुदा ने देना नहीं चाहा, शौहर है मोहम्मद सल्लम, बीवी है अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा, खुदा ने देना नहीं चाहा अम्मा आयशा की औलाद नहीं दी, और खुदा ने देना चाहा तो बीवी मरियम को बगैर शौहर के बच्चा दे दिया। तो मोजिजा और करामत अल्लाह तबारक ताला की तरफ से हुआ करता है। अब हजरत शेख ने फजाइल आमाल में किसी बात को लिख दिया कि मुझे रोटी मिल गई, मुझे पानी मिल गई, रौजे अकदस से हाथ निकल गया, तो ये जो हाथ निकला इन्होंने निकाला या अल्लाह ने निकाला? ये जो रोटी मिली अल्लाह ने दिलाई या इन्होंने दिलाई? ये जो पानी मिला अल्लाह ने दिलाया इन्होंने दिलाया? हम कहते हैं अल्लाह ने। खबीसो तुम कहते हो इसने, इसी वजह से तुम एक नंबर के मुशरिक हो। मौजिजा और करामत अल्लाह जब चाहता है, जहां चाहता है, जैसे चाहता है तादिर फरमाता है, तो ये एतराज खुदा पर जाता है। ये कैसे हो होता है? साहबा कुछ नहीं हुआ करते, इनको कैसे हो गया? तेरे पेट में मिर्ची क्यों टूट रही है? अल्लाह कराना चाहा तो अल्लाह करा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखना आता था कैसा? आता था लिखना? बोलो नहीं ना, आप उम्मी और अनपढ़ थे ना। तो आज का एक जो है 7 साल का बच्चा इंटरनेट पर बैठकर वो चैटिंग करता है, इंटरनेट पर बैठकर ईमेल करता, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, क्या कोई ये कहेगा ये बच्चा नबी के इल्म से बढ़ गया? अल्लाह ताला बात चीजें बात को दे देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, हिंदुस्तान के काफिर बच्चों की औलाद को अल्लाह ने इल्म से नवाज दिया। तो बात चीजों में बात बढ़ सकते हैं, वही वाकियात को हजरत शेख ने फजाइल आमाल के अंदर लिखा है। तो अब जो है ये वाकियात लाकर लोगों को गुमराह किया करते हैं। मेरे भाई इंसाफ से बताओ, इंसाफ से बताओ कि दिलों में हमदर्दी अगर होती, दिलों में अगर खैरख्वाही होती, उम्मत का दर्द होता, अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाजा अबू तालिब जब कलिमा पढ़ने से इनकार करने लगे, कितना नहीं तड़पा, कितना नहीं रोया, अरे वो चलो बदर की कैदियों को मस्जिद नबवी सल्लम के सुतून से बांध दिया गया, तमाम सहाबा जिहाद करते हुए थक गए थे, सब कराटे मार कर सोने लगे। फरमाते हैं हजरत अब्बास अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु आका को देख रहा था, करवटे बदल रहे थे, तड़प रहे थे। फरमाया मेरे महबूब आपको नींद नहीं आती? फरमाया कैसे नींद आती है, मेरे उम्मत के कैदी के हाथ को सख्ती से बांध दिया गया, चलो उसके हाथ को ढीला करो। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दर्जे शफकत करने वाले, और उम्मत के अंदर आपने यही दर्ज दिया कि मेरी शफकत को लाओ, मेरे दर्द को लाओ। मेरे भाई ये जमात वाले अहबाब, मौलाना इलियास साहेब रहमतुल्लाह अलैह का लश्कर, तासीम लानोतवी का लश्कर, देवबंदी मकतबे फिक्र का लश्कर आज फिक्रे कर रहा है, कादियानियत मिटे, अंग्रेजियत मिटे, अमरीकी तहजीब व तमद्दुन मिटे। हजरत मौलाना अब्दुल खालिक मदरासी दामत बरकातहुम दारुलूम देवबंद के उस्ताद हैं, और अमरीका का सफीर आया हुआ था, क्या कहा था? फरमाया हमने बुलाया नहीं, आप आ गए, ठीक है आपका इकराम एहतराम करते हैं, लेकिन याद रख लीजिए हम खुश आमदी भी नहीं करते, बुश की जो है जिल्लत आमीज शिकिस के हम खा। ये दर्द है हमारे अकाबिरीन का, ये तुर्रा है हमारे बुजुर्गों का कि कभी उन्होंने बातिल के सामने सर तस्लीम को खम नहीं किया, ठोक बजा कर कहा कि अफगानिस्तान के अंदर जो हुआ वो गलत हुआ, इराक के अंदर जो हो रहा है ये जुल्म का नंगा नाच हो रहा है किसी की मजाक जो ऐसे करे? मामूली शराबी कबाबी सूत और मुतवलियों से डराया जाता है, धमकाया जाता है, तालीम दी जाती है कि मस्जिदों में कैसा माहौल वैसे लिप कर चले जाओ, लेकिन अमेरिका के नुमाइंदे को ललकार कर छोट बजा कर ये बात कही जाती है। लेकिन ये हमारे अकाबिरीन, ये हमारे मुबल्लिगीन दाइन जा रहे शराब खानों को मस्जिदों में तब्दील कर रहे हैं, क्लबों को, डांस के अड्डों को मदरसों में मकातिब में तब्दील कर रहे हैं, जहां इस्लाम का नाम लेना जुर्म है वहां इस्लाम के परचम और तौहीद के परचम को बुलंद कर रहे हैं, उनके तलवों को चाट रहे हैं, शराबी की गालियों को सह रहे हैं, कातिलों के कत्ल करने के अंदाज को सह रहे हैं।